शहर में बीते 2 दिन पहले ही एक सराफा व्यापारी से लूट की घटना सामने आई थी, जिस मामले में महज 10 घंटे के भीतर ही कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस ने घटना में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस कार्रवाई से खुश होकर सोमवार को सराफा व्यापारी पुलिस आयुक्त से मिले और उनका आभार माना। शहर पुलिस पर वैसे तो कई सवाल या निशान खड़े होते रहते हैं, लेकिन इन सारी बातों को झूठा साबित कर सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की वो सचमुच बेहद ही सराहनीय रही, जिसके चलते सोमवार को सराफा व्यापारी पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे। इस दरमियान सराफा व्यापारियों ने पुलिस आयुक्त की प्रशंसा कर उनके आभार माने। देखिए, जो 2 दिन पहले जो एक सराफा व्यवसायियों को लूटा गया था और उनकी बैग छीन के लोग भागे थे और वो हमारे सराफा जो मित्र है उन्हें चाकू से मारा गया था, तो इस वजह से जो एक ऐसी घटना जिससे कि पूरा सराफा वर्ग पूरी तरह से घबरा गया था, उसके लिए हमने माननीय सीपी साहब से विनती की थी और सीपी साहब ने पर्सनली इसे मॉनिटर करके आज इस जो पूरा प्रकरण है उसका पर्दाफाश कर दिया, तो उसका एक धन्यवाद देने के लिए हम लोग यहाँ है। और ये जो घटना हुई और घटना होने के विद इन 47 आवर्स इसको मतलब प्रैक्टिकली इसको मैटर को डिस्क्लोज कर दिया गया, ये एक अपने आप में सराहनीय है। उसके लिए हम सराफा एसोसिएशन की तरफ से उनका धन्यवाद मानते हैं और इस टाइप की घटना ना हो इसके लिए और भी कड़े कदम उठाने चाहिए और गश्त बढ़नी चाहिए, CCTV बढ़नी चाहिए, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। सराफा के इतिहास में ये पहली घटना है, जो जब भी कोई लूटमार कोई डकैती होती है उसके लिए बहुत काफ़ी समय लगता है, लेकिन पुलिस विभाग को मैं सराफा एसोसिएशन को धन्यवाद देऊंगा, उन्होंने जो समय दिया उसके पहले ही पूरे आरोपी मुद्देमाल सह पूरा उन्होंने पकड़े गए, इसके लिए पूरे सराफा एसोसिएशन के और एक उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम अभी बहुत से चीज़ें हमारे CP साहब ने बताया हुआ है कि क्या अपने आगे के दृष्टिकोण से करना चाहिए, हाँ ये जो लूटमार हो रही है और बहुत से, तो हमने एक कार्ड भी इशू कर रहे हैं, जो भी हमारे दुकान का अगर व्यक्ति निकलता है तो उन्हें हम सराफा एसोसिएशन की ओर से उसको पुलिस आयुक्त की ओर से उनको मान्यता मिले, ऐसा कार्ड हम अपने पूरे स्टाफ को इशू करेंगे, जो तकलीफी होती है तो वो तकलीफी न हो, इसके लिए हम आगे का जो व्यू रचना है हम आगे का रखेंगे। सराफा व्यापारी हमेशा ही अपने साथ पैसा और सोना लेकर जाते हैं, जिसके चलते उनकी जान हमेशा ही जोखिम में रहती है, और इस चीज के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम इस दिशा में जल्द ही कोई कदम उठाएंगे, जिसके चलते व्यापारियों की सुरक्षा निश्चित की जा सकेगी। याबद्दल आमची आज विस्तृत चर्चा, थोड़ी म्हणजे संक्षिप्त चर्चा झालेली आहे सराफा सोबत, एक विस्तृत बैठक घेऊन ते चर्चा करावा लागेल। खरी गोष्टी आहे की हे आत्मपरीक्षण करावा लागेल की जे सराफा हे माल घेऊन फिरत असताना काय आणखी काळजी घेता येईल, ते हे खरी गोष्टी आहे की ते त्यांचे दुकानात त्यांचे एस्टॅब्लिशमेंट त्यांनी अत्यंत चांगले CCTV फुटेजेस CCTV कॅमेराज लावलेले आहे, म्हणूनच काल परवाचे घटनामध्ये महत्त्वाची जे क्लूज आहे ते ज्वेलर शॉपचे CCTV तपासणी केल्यानंतर भेटला होता। आता हे CCTV त्यांनी त्यांचे एस्टॅब्लिशमेंटला लावलेले आहे, परंतु बाहर फिरत असताना आणखी काय काळजी घेता येईल त्याबद्दल नक्कीच त्यांच्याशी चर्चा करून आणि त्यामध्ये काही ना काही मार्ग काढू। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा दिए गए इस आश्वासन से सराफा व्यापारी काफी खुश नजर आए और फिर एक बार उन्होंने पुलिस आयुक्त के आभार व्यक्त किए। रोशन बोकड़े के साथ दिशा हटवार, VKB न्यूज। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।